Hey everyone, hello and welcome back with the new video. और आज की जो वीडियो होने वाली है, आपको टाइटल से तो मालूम चल ही गया होगा कि ये होने वाला है हमारा Q&A व्लॉग, और जिसका हमने पोल किया था हमारे इंस्टाग्राम पर, और इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं इस बार. मैं ये देखे, मैं क्वेश्चंस खोल के रखी हूँ. कितने बजे शूट कर रहे हैं पता है? रात के 1:05 हो रहा है, आप टाइम देख सकते हैं. की आवाज आ रही है, आवाज रात में कि सो जाओ यार, तुम लोग क्या है, क्या ही कर रहे हो. पर लिटरली मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, सारी चीजें करनी होती, बट फिर भी हमने सोचा कि नहीं यार, फिर Q&A अगर आज नहीं करेंगे तो बाद में होगा, तो फिर बाकी सारी चीजें थोड़ा सा डिले होती चली जाएंगी, तो हमने सोचा नहीं आज ही करते हैं. इवन अभी मतलब हम लोग थोड़ी देर पहले मतलब कुछ कोलैबोरेशन करना था, तो मैं फिर भी रेडी होकर के बैठी थी, शाम में किया उसका, है ना. हाँ. और अभी सच में थोड़ा थोड़ा फीवर सा भी लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है. फिर भी हमने कहा कि नहीं, पहले जब हमने Q&A डाला है, पोल डाला है, और सभी ने इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन किए ही है, कुछ प्यारे हैं और कुछ बहुत प्यारे हैं, और कुछ ऐसे तीखे तीखे से भी क्वेश्चन किए हैं ना जो आप लोगों ने. तो आज सभी का जवाब देंगे हम. जिस किसी के भी तीखे क्वेश्चन होंगे ना, उसके फेस पे स्माइल आ गई होगी. आज तो मेरे भी क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है. तो बिल्कुल आप लोगों का हक बनता है, जब आप हम लोग को डेली देख रहे हैं आप लोग, और इतना प्यार दे रहे हैं, तो हमारे बारे में जानने का हक भी बनता है. पूरा हक बनता है, पूरा. तो हम बिल्कुल उन सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे जो हम दोनों से रिलेटेड है, ठीक है. मे भी कुछ क्वेश्चंस का जवाब हम ना दे पाए, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हम दोनों से रिलेटेड नहीं होते हैं, अदर पर्सनालिटी से रिलेटेड होते हैं, मतलब जिन, और हम लोग हैं सोशल मीडिया में, तो हम, हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम तीसरे व्यक्ति के मतलब बारे में यहाँ पे आप लोगों से बोले कुछ भी. और दूसरी चीज ये कि आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिनसे उन सामने वाले को हर्ट हो, तो हम ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं. तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम नहीं करने वाले. बाकी जो हमसे रिलेटेड हैं पर्सनली, जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, वो हम सारे कुछ आपके साथ शेयर करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर सेकंड, सीधे हम लोग आ जाते हैं, है ना. अरे भाई प्लीज यार, एक घंटे के लिए शांत हो जा, फिर रात भर भौंकते रहना, कम से कम हम लोग वीडियो शूट कर पाएंगे. सुन लिया उसने आपकी बात, आपने इतने प्यार से उसको भाई जो बोल दी. लव यू ब्रदर, गुड नाइट. नहीं, इज्जत सबको देनी चाहिए, देखिए प्यार से अगर किसी से भी आप बोलेंगे तो वो मान जाएगा, वो गधा ही होगा जो ना माने. ये तो फिर भी कुत्ता था यार, मान लिया. लेकिन वफादार होते हैं सच में. सलमान खान ने इस मूवी में बोला है, कुत्ता पाल लेना लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं. लेकिन ऐसे बात करने में ना बहुत मजा आता है, सच में आप लोग को भी देखने में मजा आता होगा ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस से. तो एक का बड़ा ही मतलब खतरनाक क्वेश्चन है, दिव्या उपाध्याय 5836 करके है, मैं हो सकेगा तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी. इनका क्वेश्चन है, सबसे अच्छा कौन है आप? तो दिव्या जी, हम इंसान हैं. अरे यार, तो इन्होंने बड़े ही प्यार से पूछा है कि कौन है आप. तो मेरा नाम प्रिया है और ये मेरे हस्बैंड है हिमांशु, और हम दोनों ही यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम दोनों ही प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, एंड हमारा खुद का जॉब भी है, हम दोनों बैंक में भी जॉब करते हैं. और क्या कहते हैं, आप लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आपका ये क्वेश्चन सच में हमें बहुत पसंद आया,
कि आप कौन है और आप हमारे बारे में सच में डीपली जानना चाहेंगे इस बात का। तो मतलब बाकी सारे लोगों के क्वेश्चंस तो चलो ठीक है कॉमन हो गया, लेकिन आपका ये सिंगल क्वेश्चन था इसलिए सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन उठाया। हाँ, आपका एक ही क्वेश्चन आया है एंड बाकी बहुत सारे लोगों के तो सेम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन इस बार मैं मतलब लिटरली बता रही हूँ बिकॉज हमारी फैमिली भी काफी बढ़ चुकी है इंस्टाग्राम पे, नए लोग ज्वाइन हुए हैं तो उन्हें भी हमें जानने का शौक है, जानने की इच्छा रखते हैं। तो और अभी इस बार जो क्यों डाला ना उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है होम टूर को लेकर के। हाँ। तो मैं एक ही जिनका अभी नाम ले देती हूँ, कोमल गुप्ता 2773 इनकी आईडी है, इन्होंने क्वेश्चन किया है आप अपना होम टूर कब दोगे, प्लीज जल्दी ब्लॉग बनाओ उसका भी। तो हम लोग बहुत ही जल्दी होम टूर देने वाले हैं गाइस, अभी हम लोग इसलिए नहीं दे रहे बिकॉज अभी सारे रूम हमारे कंप्लीट नहीं है, मतलब ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट है लेकिन हाँ मतलब जो इंटीरियर जैसा हम चाह रहे थे अभी उसका कुछ कुछ पार्ट बाकी है, कुछ फर्नीचर्स बाकी हैं, मतलब वो सारा कुछ आ जाए जैसे हम अरेंज करना चाह रहे हैं एटलीस्ट वैसा सब कुछ अरेंज करके प्रॉपर घर सेट करें देन होम टूर लेकर आए तो आप लोगों को भी देखने में मजा आएगा। बिकॉज अभी हम जिस रूम में बैठे हुए हैं ना ये मम्मी लोगों का बेडरूम है, ये हमारा बेडरूम नहीं है, हमारा बेडरूम इसके ऊपर वाला है तो वो अभी बिल्कुल उसमें बेड आ गया है अभी हमारा, लेकिन बाकी सारी चीजें अभी उसमें कुछ भी नहीं रखी हुई है कि हम वहां पे जाके कुछ सूट करें या फिर कुछ भी करें, तो अभी तक आप लोगों ने हमारा बेडरूम देखा ही नहीं है। तो जब वो भी कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लाएंगे हमारा होम टूर, होम टूर तो बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्दी आएगा। जितने भी लोगों का ये सवाल था होम टूर कब आएगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, जब आएगा तो आप लोगों को देखने में मजा आ जाएगा सच में, इसलिए हम लोग टाइम ले रहे हैं, नहीं तो चाहते तो हम आपको पहले भी होम टूर करवा सकते थे। लेकिन आप ये इस चीज में मेरी गलती हो गई कि जब हमारे घर का होम इनॉग्रेशन हुआ था ना तो हमें एक बार होम टूर देना चाहिए था खाली घर में, मतलब इस चीज की तो हम सॉरी बोल रहे हैं बिकॉज इतना ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता आप लोगों को, अगर हम पहले थीम पे दे चुके होते तो फिर फर्निश होने के बाद हम दोबारा कर देते, लेकिन सो सॉरी हम पहले नहीं दे पाए, लेकिन अभी बहुत जल्दी जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम जल्दी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ओके हाँ, फिर है ऑफिशियल ऋतु 703, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है जितने प्यारे आप और जीजू हो। ओह माय गॉड, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड नाइस क्वेश्चन, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, तो इस चीज में हम बस यही बोलना चाहेंगे कि वही है नजरिया, जो खुद अच्छे होते हैं उन्हें ही सामने वाला अच्छा लगता है, तो आप खुद अच्छे हैं इसलिए शायद आपको हम अच्छे लगते हैं, और वैसे हम लोग है भी अच्छे बोले भी नहीं है बोले तो हम नहीं है, ये बात तो है तभी आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, अब बुरा बनना ही क्यों, जब जब अच्छे लोगों को ही लोग पसंद करते हैं तो फिर बुरा बनना ही क्यों, और बुरा बनने की जरूरत भी नहीं, जरूरत भी नहीं है, है ना, हम जैसे हैं आपके सामने as it is। और फिर अगर और इस चीज को डीपली बोले तो अच्छे के साथ अच्छे और बुरे के साथ बुरे वैसे भी बनना पड़ता है, क्या करे जमाना ही ऐसा है जो जैसा उसके साथ वैसा है ना। आप कहां से हैं, ये क्वेश्चन है शालू सिंह 4839। तो हम लोग हैं भोपाल से, भोपाल द कैपिटल ऑफ एमपी मध्य प्रदेश। शालू सिंह जी का क्वेश्चन एक और है, भोपाल में आप कहां रहते हैं दी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, और भोपाल में हम लोग अयोध्या बाईपास के पास रहते हैं, अगर आप मिनाल रेसिडेंसी का नाम जानते होंगे तो मिनाल रेसिडेंसी के आसपास समझ लीजिए। गुड न्यूज कब तक मिलेगी, ये क्वेश्चन है रेनू पांडे 240। गुड न्यूज ही तो दिए हैं अभी आपको, इतना बड़ा घर लिया है ये क्या मतलब किसी गुड न्यूज से कम है, बहुत ही जल्दी हम दूसरी वाले भी गुड न्यूज देने वाले हैं, वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगी। और आपने जो घर लिया है उसके प्राइस था, उसका क्या प्राइस था और कहाँ लिया है इसका तो मतलब कहाँ लिया है ये कि इसका आंसर तो हम अभी नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली हम अपना एड्रेस यहाँ पे बता पाए, और एंड रही प्राइस की बात तो वो हम आपको पूरा जोड़ के बताएंगे फिर अभी हमने खुद ही नहीं वो किए हैं कि यार हमें एग्जैक्टली पढ़ कितने का गया लाइक ये सारी चीजें करवा के क्यों, तो इसका हम लोग पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके लिए एक अलग व्लॉग बना देंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं पता है इस चीज से रिलेटेड। हाँ। बहुत सारे क्वेश्चन है कि आपको घर कितने का पड़ा, तो हम एक काम करेंगे हम इस चीज के बारे में एक अलग से व्लॉग बनाएंगे कि हम ये घर एक्चुअली कितने में पड़ा और बाकी सारा काम करवा के हमें टोटल कितने में पड़ गया, ठीक है, बस इस चीज का आंसर हम एकदम से नहीं कर पाएंगे कि हम कहां पे लिए है ये घर। यस नियरेस्ट तो हमने बता ही दिया है ना।
मायके और ससुराल का ब्लॉग बनाओ अलग अलग, तो दोनों ही ब्लॉग्स डले हुए हैं, मेरे मायके का भी ब्लॉग डला हुआ है, मतलब मेरे भीवा वाले घर का। गाइस प्लीज मायका तो मत बोला करिए, वो मेरा घर है, वहां मैं पैदा हुई हूँ, मेरा घर है। और दूसरी चीज ये कि ससुराल का ब्लॉग, ससुराल का भी ब्लॉग डला हुआ है, जब मैं गई हूँ वहां पे मेरा गृह प्रवेश हुआ है, जब वहां गई थी तब का भी ब्लॉग डला हुआ है। तो आप लोग हिमप्रिया ससुराल वाला ब्लॉग करके अगर आप सर्च भी करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, है ना। यस एंड एक और चीज मैं थोड़ा करेक्शन करूंगा कि आप लोग मतलब बहुत सारे जो लोग नए लोग साथ हमारे साथ ज्वाइन हुए उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें ये लगता है कि हम लोग शायद मतलब उनकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि हम लोग शायद प्रिया के मायके में रहते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है। इवन ये क्वेश्चन भी आया था कि आप अपने हमेशा अपने मायके में क्यों रहती है, तो गाइस इस चीज को हम क्लियर कर देते हैं, मेरा मायका ना रीवा में है और हम लोग भोपाल में रहते हैं। भोपाल में रहते हैं और भगवान की दया से भोपाल में हमारा अपना खुद का घर हो गया है, तो हम यहाँ रहते हैं। और दूसरी चीज जैसे हम दोनों एक हो गए है ना, ऐसी हमारी दोनों फैमिली भी एक है, तो ना हम लोग मायका बोलते हैं ना ससुराल बोलते हैं, ये शब्द हम यूज ही नहीं करते हैं क्योंकि ये शब्द हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम बताएं हाँ। तो चलो ठीक है, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम एक है तो हमारे घर भी एक है, तो हम मेरी चीज मैं आप लोगों की लैंग्वेज में बता देती हूँ कि ये जिस घर में हम में आप देख रहे हैं ना, ये हमारा खुद का घर है, ये ना ही मेरा मायका है और ना ही ये मेरा ससुराल है। मेरा जो मायके वाला घर है वो रीवा है और मेरा जो ससुराल वाला घर है वो छिंदवाड़ा है, और ये हमारा खुद का घर है। ये तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अपने घर में है और दोनों फैमिली ही हमारे साथ में रहती है। हाँ। ये बोले कि हम दोनों फैमिली के साथ में रहते हैं, तो दोनों फैमिली दो नहीं है, एक फैमिली है। हाँ। इसीलिए आप लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कौन सी किसकी मम्मी है, कौन किसकी सिस्टर है, कौन किसकी ननद है, इसमें आपको कंफ्यूजन रहता है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है कि जय श्री आप दोनों की सिस्टर है कि ननद है कि साली है कि क्या है। ये तो मतलब जितने भी हमने Q&A किए होंगे अभी तक, जितने भी Q&A किए होंगे, तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। तो हर बार हमने रिप्लाई किया है, इस बार भी रिप्लाई करेंगे ही। तो जया और जयश्री हम दोनों की ही सिस्टर है क्योंकि उनका हम दोनों के साथ ही वो ही रिलेशन है, सिस्टर वाला ही रिलेशन है, इसलिए वो मुझे भैया बोलती है। ना ही इनके साथ साले वाला रिलेशन वो लोग रखते हैं, क्योंकि वो तो भूल जाइए आपकी वो जीजू इनको बोलेंगी, और ना ही वो भूल जाइए कि वो मुझे भाभी बोलेंगी, और ना ही वो मेरे साथ नंद जैसा सलूक करती है, ना ही इनके साथ साले जैसा सलूक करती है। वो दोनों ही हमारे बहने बन के, मतलब बच्चे जैसे ही है वो हम लोगों के लिए। और तो अभी आप लोगों को इस चीज का प्रॉपर आंसर मिल जाएगा कि वो हम दोनों की ही सिस्टर्स हैं। हाँ। नहीं अगर आपको अभी भी समझ में आ रहा होगा तो आप लास्ट ईयर के रक्षाबंधन वाला ब्लॉग देख लीजिएगा, उसके भी लास्ट ईयर का देख लीजिएगा। तो सच में हमें बहुत खुशी होती है, सच में हम लोग बहुत खुश होते हैं। जितनी बार भी कमेंट आता है, दीदी वो ग्रीन साड़ी पहने थे वो आपकी मम्मी है कि जो रेड साड़ी पहने थे वो आपकी मम्मी है, भैया ग्रीन साड़ी वाली आपकी मम्मी है ना, ऐसा करके जब क्वेश्चन आते हैं ना, सच में हमें इतनी खुशी होती है ना कि हम लोग इतने ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी सासू माँ है और कौन सी माँ है। ये अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो ना, इट्स मींस हम लोगों का बॉन्ड वैसा है, टच वुड, और जिंदगी भर ये क्वेश्चन करते रहना आप लोग, सच में हमें बहुत अच्छा लगता है। है ना। यस। और काश हम लोगों का रिलेशन हमेशा ऐसा ही बना रहे कि पता ही ना चले कि कौन सी किसकी मम्मी कौन सी किसकी बहन, हम लोग हम दोनों ही एक दूसरे के परिवार में ऐसे ही ऐसे वाला घुसे रहे। बिकॉज ये हमारी फैमिली है ना। yes, ये हमारी फैमिली है, हिमप्रियाज फैमिली। कुछ तो अलग है ना बाकी सब में। yes. सिर्फ यही अलग है एक्चुअली बाकी सब में। बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आता है कि मतलब शादी तो हो जाती है पर जिस तरीके से आपकी फैमिली मतलब आप लोगों के साथ है, ऐसे सबका नहीं हो पाता है, तो ये तो मतलब ब्लेस्ड है हम लोग। सबसे पहले सबसे अच्छी बात ये है कि हम दोनों तो एक हुए, हमने फैमिली को भी एक किया। बहुत मेहनत लगती है गाइस ऐसा करने में सच में, लेकिन हमारी फैमिली वाले भी ऐसे है ना
कि वो लोग आपस में भी बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उधर से हम दोनों बैठे हैं, हम दोनों प्यार कर रहे हैं इसलिए वो लोग आपस में ऐसे, देखो हम दोनों यहाँ है ऊपर नीचे, लेकिन वो लोग नीचे इतनी देर तक बतियाएंगे, बात करेंगे, दोनों मम्मी साथ में जाती हैं टहलने के लिए, घूमने जा रहे हैं, अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट कभी मतलब लंच या डिनर का भी ऐसा हो जाता है कि हमें कहीं जाना है या हमें लाइव आना है, बहुत टाइम लग रहा है, तो मम्मी दोनों मम्मी में से जो भी फ्री रहेंगे तो बोलेंगे कि नहीं मम्मी आ जाए, हम लोग खा लेंगे, आप लोग खाकर फ्री हो जाओ, तो हम लोग खाना खा के एकदम फ्री होके आप लोगों के साथ बातें करने लाइव में आ जाते हैं, फिर दोनों आपस में साथ में खाते पीते रहेंगे, घूमते, मतलब उन्हें घूमने के लिए भी हमारी जरूरत नहीं पड़ती दोनों ही आपस में घूमते रहेंगे, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर मैं ये बोलूँ ना कि बहन बहन में भी कई बार वैसा बॉन्ड नहीं हो पाता है जो यहाँ समधनों में है, वो समधन वाला रिश्ता तो है ही नहीं, शुरू से ही नहीं रहा है। मतलब जैसे मैं बोला ना कि हम दोनों एक हुए तो हमारी फैमिली भी एक हो गई, तो जितना प्यार हमारे बीच में है उतना ही प्यार उससे कई ज्यादा भी बोल सकते हैं, मतलब फैमिली में भी एक दूसरे के लिए है। आशा दीपक जी का क्वेश्चन है, दीदी हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप दोनों हमसे बात करो। ओके, इन्होंने क्वेश्चन ही किया है, इन्होंने ऑर्डर किया है कि आप हमसे बात करो, थैंक यू सो मच इतना हक समझने के लिए। और दूसरी बात ये कि लाइव में आके आप हमसे बात करो, हम डेली लाइव आते हैं 9-10 बजे के आसपास, और जो भी टाइमिंग रहता है वो हमारी स्टोरी से पता चल जाता है, तो आप उस टाइम पर हमें ज्वाइन करके हमसे ढेर सारी बातें कर सकते हैं। ओ माय गॉड, एक क्वेश्चन आया है, गोलू 5062 करके इनकी आईडी है, इन्होंने क्वेश्चन किया है, वाइफ के अलावा किसी और से प्यार करना गलत है या नहीं? भाई साहब, पहले तो आपको ये क्वेश्चन करने से पहले ना अपनी वाइफ से पूछ लेना चाहिए था, आपने पूछ तो लिया है, अब बाई चांस वो अगर आपका मतलब ये वाला ब्लॉग देख ले तो उसके बाद तो वाइफ तो साइड हो जाएगी, बाहर वाली भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी भी गारंटी नहीं, मतलब हद हो जाती है यार। आपकी लाइफ में आपकी वाइफ है ना, तो ही आपकी लाइफ लाइफ है, आपकी लाइफ से अगर वाइफ वाला चैप्टर खत्म हो गया ना तो आपकी लाइफ हेल हो जानी है। हेल हेल मतलब समझते हैं, झंड। इतनी अच्छी आपको लाइफ पार्टनर भगवान ने दिया है कि नहीं दिया है पता नहीं, मतलब अगर आपकी लाइफ में आपकी वाइफ होगी तो आपको ये क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए, या अगर आप मजाक में भी ये क्वेश्चन किए तो आपको सोचना चाहिए कि यार आप क्या बोल रहे हैं। सच में मजाक नहीं होता है यार, रिलेशन रिलेशन अगर बनाए हो तो उसको निभाओ और उसी के होकर रहो, 10 जगह मुंह मत मारो। तो आपको समझ में आ गया होगा आंसर कि वाइफ के अलावा लाइफ, मतलब इनके कहने का मतलब शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, तो वो बहुत गलत चीज है, गलत चीज है, किसी ना दिन आपका सामने आ गया ना चाहिए ऐसा, ना ही हस्बैंड को करना चाहिए ऐसा, किसी दिन आपका सामने आ गया ना तो फिर आप एक दूसरे के सामने नहीं रहोगे। भाई तो मैं पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है और आज मैं सारे क्वेश्चंस लेके बैठी हूँ। गाइस, ब्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है बट हाँ, हम सभी का आंसर करेंगे तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका घर कहाँ है दी? मैं भी भोपाल से हूँ, तो हमने बता दिया कि हमारा घर कहाँ पे है, और आप भी भोपाल से हैं तो बिल्कुल हमसे आकर मिल सकते हैं। रश्मि जी का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, रश्मि सूरज की दुनिया करके इनकी आईडी का नाम है, इन्होंने क्वेश्चन किया है, डियर श्याम बाबा की ज्योत कैसे जलाते हैं एंड बाबा के कीर्तन में आना है हमें फर्स्ट फैंस, थैंक यू सो मच। इन्होंने फर्स्ट फैन करके मतलब इतना अच्छे से हमें वो किया है, और श्याम बाबा की ज्योत कैसे जलाते हैं इसका आंसर आप कीजिए। देखिए, श्याम बाबा की ज्योत सबसे पहले तो यह है कि आपको आस्था होनी चाहिए, है ना, किसी भगवान को आप मान रहे हैं उनके प्रति आपकी पूरी निष्ठा पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आपको उनकी कृपा समझ में आती है। कुछ लोग ऐसा है ना कि दूसरों की बातों में रखकर कभी किसी भगवान के पीछे चले गए, कभी किसी भगवान के पीछे चले गए, तो ऐसा नहीं होता। आप किसी को भी मानिए, दिल से मानिए, आपके सारे काम बनेंगे। हाँ वो बात थे, लेकिन इन्होंने पूछा है कि श्याम बाबा की ज्योत कैसे जलाते हैं, तो हम उसको वर्ड्स में कैसे बताएं। हम एक काम करेंगे, हम हर एकादशी को ज्योत जलाते हैं ना, तो हम इस वाली एकादशी में ट्राई करते हैं उस चीज को मतलब एज अ ब्लॉग बनाने का, कि हाँ मतलब क्या क्या, क्योंकि आपके अलावा भी पहले के भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि हमें भी बाबा की ज्योत जलानी है, हम आपके वीडियोस देखते हैं तो
हम भी मतलब श्याम प्रेमी होते जा रहे हैं, तो हमारा भी मन करता है कि हम बाबा की जोत जलाएं। तो जो नेक्स्ट एकादशी आएगी ना, तो उसमें जब हम जोत जलाएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपके साथ हर एक चीज शेयर करेंगे, ताकि आप उस चीज को देखें, समझें और कर सही पाए। बात है। हाँ और हमारे यहाँ जितने भी कीर्तन हुए ना, हमने कोशिश की है कि उसमें भी हम सारी चीजों को कैप्चर करके आपके कैप्चर साथ कर देंगे, शेयर बिकॉज़ करें। आप लोग इतने अच्छे से देखते हो कीर्तन वाले ब्लॉग्स, आप लोग बहुत प्यार से देखते हो ये वाले। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आपकी ग्रीन कलर की जो सीक्वेंस की साड़ी है नेक की, वो आप कहाँ कहाँ से से ली? ली हो? तो वो हमने ली है आई थिंक बैरागढ़, बैरागढ़ से है ना, जो भोपाल कीर्तन में मैंने बैरागढ़। पहन के रखी है, शायद आप उसकी ही बारे में बात कर रहे होंगे, बिकॉज सीक्वेंस लगा हुआ है तो वो बैरागढ़ की है। दीदी आप कैसे इतना आना पड़ेगा, कुछ हमको भी सिखा दो। आई थिंक शायद आप ऐसा क्वेश्चन करना था कि आपको इतना कुछ कैसे आता होगा, कुछ हमको भी सिखा दो, ऐसा करके बोल रही होंगी क्या, मैं भी शायद आपके पूछने का यही है। है ना? मुझे ना आपका लिटरल क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तनुष चौधरी करके आपकी आईडी है, प्लीज एक बार और आप अपना क्वेश्चन कर रिपीट कर दीजिएगा, फिर हम उसका आंसर कर देंगे, हाँ, है ना? नेक्स्ट वाले Q&A में जरूर करेंगे। आप कैसे हो, आंचल जी पूछ रही हैं। चलिए आप बताइए कैसे आप, मस्त, जबरदस्त, और जब से नए वाले घर में आए तब से तो तब और से भी बढ़िया तो है। लाइफ एकदम शानदार होगी। एंड कुबेर शिकरवार 132 करके इनकी आईडी है, इन्होंने क्वेश्चन किया है, दीदी आप इन-लॉज फैमिली में कौन कौन है प्लीज बताना दी, आई एम बिग फैन ऑफ यू एंड आपसे मिलना चाहती चाहती हूँ। हूँ। ओके, तो ओके तो मिलना अगर आप चाहते हैं और आप भोपाल से हैं या कहीं से भी हैं, अगर आप भोपाल आए तो आप हमें DM करिएगा, हम जरूर मिलेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं, मिलना चाहते हैं, एंड हम कोशिश करते हैं मिलने के लिए। कभी कभी मिल पाते हैं, कभी कभी हम अवेलेबल नहीं होते हैं तो नहीं मिल पाते हैं। तो आप अगर भोपाल से हैं या भोपाल कभी भी आए, तो आप जब भी हमसे मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो सेकेंड आपने क्वेश्चन क्वेश्चन क्या किया है कि इन लॉस फैमिली में कौन कौन है, प्लीज बताना। है, इन-लॉज की फैमिली में भी क्या होता है, मैं अगर अगर आप मेरी जेठानी या देवरानी लाइक ऐसा कुछ पूछना चाह रहे होंगे कि हम लोग कि इन-लॉज तो यही होंगे ना, और कौन होगा, मम्मी तो साथ में ही है ना, और बाकी ऐसे अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं अपने घर की इकलौती बहू हूँ, ना ही मेरा कोई देवर है और ना ही मेरा कोई जेठ है, तो और मैं क्या बताऊँ इन-लॉज के बारे में, बाकी मम्मी है तो मम्मी हमारे साथ ही, उन्हें आप हमारे डेली व्लॉग्स में रील्स में सब कुछ देख ही रहे हैं, है ना? तो जितने लोग आपको ऑन कैमरा दिखते हैं ना, यही हमारी यही फैमिली है, हमारी फैमिली कंप्लीट है। फैमिली। होम टूर वाले होम बहुत टूर सारे वाले तो क्वेश्चंस बहुत हैं सारे यार, क्वेश्चंस आपके हैं। सिस्टर नंद ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है, तो सिस्टर्स ही हैं भाई। आप दोनों की स्कूल टाइम की पिक, वाओ नाइस, ये ये यार है बड़ा टीना, शानदार। टीना जी का क्वेश्चन है 70583। हाँ, तो हम लोगों की स्कूल टाइम की पिक, एक स्कूल ड्रेस वाली तो नहीं होगी। हाँ, लेकिन जो हमारे पास है, और वो भी आप अगर अच्छे से देखेंगे तो हम उसमें हम दोनों की लोगों है की स्कूल टाइम। बिल्कुल हाँ सेम 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 पोज पोज है। में सेम स्माइलिंग वाली फोटो है, हाँ और वो मेरे पास है फोन में, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा अभी। ये देखिए, साइड में आ रही होगी आपको, तो हाँ आप यहाँ पे भी देख लीजिए, और जरूर हम उसे रील्स में भी डालेंगे, हाँ है ना? तो जिन चीजों की अपडेट आपको YouTube पे भी नहीं मिल पाती है ना, तो उन चीजों की अपडेट हम Instagram पे कर देते हैं, तो जिन आप लोगों ने भी इंस्टा Instagram पे पे भी फॉलो हमें नहीं किया फॉलो होगा। कर हाँ लीजिएगा, इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक और चीज, बहुत सारे लोगों का ब्यूटी और हेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने मतलब DM में भी चेक किया हुआ है इनके अलावा, तो उससे रिलेटेड भी जो भी वीडियोस रहेंगी वो आपको मिलेगी हमारे दूसरे चैनल पर, जो कि है इनका दी आइकॉनिक गर्ल प्रिया। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे जितने भी ब्लॉग्स वीडियोस आते हैं, उन सब के डिस्क्रिप्शंस में आपको इंस्टाग्राम और हमारे दूसरे चैनल की लिंक मिल सब जाएगी, कुछ मिल तो जाएगा। जाइएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्यूटी हैक्स से सारी रिलेटेड वीडियोस आपको उसी में मिलेंगी।
फिर इसके बाद नेहा कोहली 26 जी इनका 6 जी बोल रही हूँ इनका क्वेश्चन, दी आप सच में बहुत क्यूट हो, थैंक यू, मैंने नेचर से तो देखा नहीं है आपको बट आई एम श्योर नेचर वाइज भी बहुत अच्छी होंगी, ओ माई गॉड, वो आप इनसे पूछ लो क्योंकि ये मेरे साथ रहते हैं ना। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप हमें मतलब जितना जानते हैं उसके बेसिस पे आपने मतलब हमें जज करके ये चीज कहा, और रही नेचर की बात तो इनका नेचर तो बहुत बेकार बहुत ही ऑसम नेचर है क्योंकि मतलब मैं पर्सनली मतलब 24 घंटे हर एक सेकंड हर पल साथ में रहता हूँ तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ इनका नेचर कि कैसी है ये बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी है, जो कोई दिल से मान लेता है ना, दिल से समझ लेता है उनके लिए तो क्या ही कहना। तो आप बिना देखे बिना जाने आप समझ रहे हैं मतलब कि आप भी हमसे ना उसी तरीके से हार्डली कनेक्टेड है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल। एक बहुत अच्छा बोलूं कि कैसा क्वेश्चन बोलूं, निधि जी का क्वेश्चन है, निधि 8892, दुनिया कैसी है दी, दुनिया के बारे में आपने क्वेश्चन, मैंने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत सारे तो हम स्किप भी करते जा रहे हैं क्वेश्चन, बिकॉज वो क्वेश्चन में नाम किसी और का भी रहता है तो फिर हाँ। बोल नहीं सकते है ना, तो अब इन्होंने पूरी दुनिया के बारे में बात कर दी इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पिक कर लिया बिकॉज इसमें किसी का नाम नहीं है। तो दुनिया बहुत अजीब बोल सकते हैं, बहुत कम ही लोग मिलेंगे जो आपको समझें, आपको सपोर्ट करें, आपको आगे बढ़ाने में मदद करें, ऐसे सिर्फ और सिर्फ 10% लोग हैं सच बताऊं, और उसमें आ जाते हैं सबसे पहले तो आपके अपने, आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, बस ठीक है, जो आपकी खुद की फैमिली है, आपके रिलेटिव्स भी उसमें नहीं आते हैं, ठीक है। सबसे पहले टांग खींचने का और नीचे गिराने का जो काम रहता है वो आपके रिलेटिव्स ही करते हैं, ये हर किसी की लाइफ का ही है, पता नहीं उनको क्या मजा आती है इसमें, आई डोंट नो। लेकिन मैं आपसे एक यही चीज बोलूंगा, अगर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं तो आप कंटिन्यू उसमें लगे रहिए, दुनिया पीछे करने के लिए बन जाएगी ना जैसे आप चाहते हो, बस आप अपनी भी सक्सेस लाओ, आप सक्सेस होंगे सामने वाले का नेचर चेंज हो जाएगा, जो आपको बुरा बोलते हैं वो अच्छा बोलने लग जाएंगे, ये पावर है सक्सेस का। तो आप सक्सेस होइए और बस आप देखते जाइए लोगों का नेचर कितने जल्दी जल्दी लोग कलर बदलते हैं, दुनिया ऐसी ही है, जिधर पैसा फिर सब, वहां पर सारी चीजें सारी बुराइयां सब हट जाती हैं, सिर्फ आपकी अच्छाइयां नजर आती है। और फिर अगर हम अपने पर्सनल बात करें, हमारी दुनिया बहुत अच्छी, बिकॉज हमारी दुनिया ना बहुत सीमित है, घर में जो 7 लोग दिखते हैं ना बस वही हमारी दुनिया है, उतनी बाहर के लोगों में हमारा ना कोई इंटरेस्ट है, ना कोई दिलचस्पी है, ना कुछ। हाँ, उनके अलावा अगर हमारी कोई फैमिली है तो वो है आप लोग, यूट्यूबर इंस्टा की फैमिली, जो कि हमें बेहद 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 प्यार करती है, एंड टच वुड हम लोग इतना ब्लेस्ड हैं कि हमें इतनी प्यारी और इतनी अच्छी फैमिली मिली है, मतलब सच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना नहीं बताना है नेहा तिवारी 031 करके आपकी आईडी है नेहा जी की, मैं जानता हूँ क्योंकि अक्सर आपके बहुत 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 प्यारे कमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले तो सभी के लिए थैंक यू सो मच। तो इन्होंने इतना प्यारा कमेंट किया है, अतः इन्होंने अपने साइट से कमेंट किया है कि पूछना नहीं बताना है दीदू, सक्षम सुंदर नारी लगती है, हिमांशु की दुल्हनिया मुझे बहुत प्यारी लगती है। उसके बाद इन्होंने सॉरी कहा कि सॉरी भैया मैंने नाम लिया आपका, कोई बात नहीं, मैं आपने लाइन इतनी प्यारी बोले है ना उसके लिए तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए जो हमें प्यार करते हैं ना वो उनका लेवल ही अलग है, उनके लेवल को कोई टच भी नहीं कर सकता, और हमारे मतलब हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास सच में नेगेटिव पीपल्स नहीं है, और जितने भी लोगों के आए हैं ना हमारे पास क्वेश्चन, 1% भी नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं आए, सच में इस चीज की हमें बड़ी खुशी हुई कि हम इतने सारे क्वेश्चन स्क्रॉल करते जा रहे लगभग 2000 क्वेश्चन है हमारे पास अभी के डेट में, तो मतलब
उसमें एक भी नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है, लाइक ये दुनिया कैसी है ये वो, इन्हें तो हम नेगेटिव बोल ही नहीं सकते क्योंकि मे बी उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होगा इसलिए एकदम से उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि दुनिया कैसी है. क्योंकि इंसान वही क्वेश्चन करता है ना जो उसके दिमाग में चल रहा होता है, तो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन कर दिया. बाकी निगेटिव क्वेश्चन अगर बोले जाए तो बिल्कुल भी नहीं आया. तो मतलब इतना सारा आप लोग प्यार करते हो, इतनी सारी चीजें, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो गुड न्यूज को लेकर रहते हैं यार. और मुझे पता है कि आप लोग कौन सी वाली गुड न्यूज चाहते हो. बहुत बेसब्री से इंतजार है. मैं जस्ट अभी वही देखा तो उससे रिलेटेड भी मतलब अराउंड 500 होंगे क्वेश्चन. गुड न्यूज कब दे रहे हैं, गुड न्यूज कब मिलेगी दी, अब तो आपका अपना घर हो गया है, अब मासी कब बना रहे हैं. तो सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से ऐसे ही क्वेश्चंस किए हैं गुड न्यूज को लेकर के. तो देखिए उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती है ना. अब आप लोगों की ब्लेसिंग से, मम्मी पापा के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हम अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं, एक स्टेप ही हो गया. अब जब उसका टाइम आएगा तो वो भी न्यूज, जब वो रिवील करने का समय रहेगा तब हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे. लेकिन इतना कंफर्म समझिए कि शेयर जरूर करेंगे. शेयर तो उसका भी एक राइट टाइम आएगा, थोड़ा सा और रुक जाइए. अभी तो नए घर में शिफ्ट हुए हैं, अभी इसको प्रॉपर तरीके से सजा लें, जो भी सपने हैं वो पूरे कर लें, बहुत सारी चीजें होती है ना. एक्चुअली मैं अभी उस चीज को छोड़कर भी हमारे ना बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो हम पूरे करने हैं, मतलब जो जो सिर्फ हम दोनों ने देखे हैं, जो ड्रीम्स सिर्फ हम लोग एक दूसरे से चर्चा करते रहते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, ये चीज ऐसी करनी है, ये चीज वैसी करनी है, जो चीज सिर्फ हम दोनों को ही पता है कि हाँ ये चीजें हमें करनी है. तो पहले वो चीजें करनी है और वो भी बेबी से पहले. क्योंकि बेबी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर हम किसी चीज को मतलब प्लानिंग करके अगर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज ज्यादा सही रहती है हमारे लिए, है ना. तो कुछ चीजें हम लोगों ने सोच के रखी है, वो सारी चीजें कर ले. एंड मैं ये बोलूँ ना कि आपकी वाइफ और आपके हस्बैंड से बेहतर आपका कोई भी फ्रेंड नहीं हो सकता कभी भी. तो बेटर है हस्बैंड वाइफ अपनी बीच की अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग कर लें कि बाहर के तीसरे व्यक्ति की बात आपके रिलेशन को कभी इफेक्ट ना कर पाए. मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, हमारे बीच में भी कभी कोई जब बात आती है ना, भगवान की कृपा से तो कभी ऐसी कोई चीज नहीं जो हमारे बीच में आए. लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं कर रहा, मतलब ऐसे तीसरी बात कभी ऐसा हो जाता है ना कि किसी और की बात चल रही हो, तो वो भी हमारे बेडरूम के गेट के बाहर तक रहती है. बेडरूम के गेट के अंदर की कहानी ही अलग हो जाती है, मतलब उसमें तो सिर्फ हम और हमारी बातें यही रहती है. ये भी सही है कि हम लोग बातें बहुत करते हैं यार, मतलब अभी जो 1 बज गया है ना, अभी ये देखिए 2:15 बजने वाला है, तो ये 2:15 भी हम लोग रूम पे काफी टाइम से आ गए थे, लेकिन हमारी अपनी खुद की बातें चल रही थी, क्वेश्चंस हम लोग रीड आउट कर रहे थे, क्वेश्चंस के साथ साथ बातें कर रहे थे, तो इतना टाइम हो गया. तो हमने बोले नहीं, अगर सोचे हैं तो कर कर ही सोएंगे. तो बेस्ट फ्रेंड हस्बैंड वाइफ से बेस्ट कोई नहीं हो सकता है. आप इनसे जितना दिल खोलकर शेयर कर सकते हैं ना, उतना आप किसी भी और फ्रेंड से नहीं कर सकते. तो बेटर है अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाइए, एंड आपकी लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते सच में. और ये बात तो थी, और अभी जब से हमारे इंस्टाग्राम फैमिली और भी ज्यादा बढ़ी है ना, लाइक 60,000 अभी जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे, आई थिंक 60,000 हम टच कर गए होंगे. तो इतने प्यारे प्यारे अभी जो कमेंट्स हैं वो आ रहे हैं गृह प्रवेश के बाद से लेकर के, बात बता रही हूँ, और इतने डीएम्स आते हैं. कभी हम हमें टाइम मिला तो हम उन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को दिखाते हैं कि सच में हस्बैंड वाइफ बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. इतना सोच कर तो हम शायद वीडियोज भी नहीं बनाते जितना आप लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हो. अब हमें समझ में आ रहा है कि वाकई में इंस्टाग्राम और यूट्यूब में जो होने का एक वो होता है ना, मतलब कि उसका जो मींस निकलता है, वो हमें अब समझ में आ रहा है कि यार वाकई में आप लोग इतने इन्फ्लुएंस हो रहे हो. और इस चीज को हम जिंदगी भर बरकरार रखना चाहेंगे कि हाँ, जैसे अभी तो हमारा वो वाला लेवल है कि हाँ न्यूली मैरिड वाला लेवल है, मतलब अभी बहुत हम लोग बहुत पुराने नहीं हुए, अभी 6 साल ही हुए शादी के लिए. आने वाले 60 साल तक न्यू ही रहेगा. तो इस चीज को बरकरार रख के और हर
हर एज के लेवल का जो प्यार होता है ना, जो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, उस चीज से जरूर इन्फ्लुएंस करेंगे एक दिन, और तब हम जानेंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ सही मायने में हम इन्फ्लुएंसर्स हैं। इसको आगे भी लेकर चलते रहेंगे और उसी तरीके से अपना रिलेशन, अपना प्यार को बरकरार रखेंगे। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना, आप लोगों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग, जो प्यार है ना, वो रील्स में नजर आती है। अगर ये हमारा मतलब अगर फेक होता तो हम इतना लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाते इस चीज को लेकर। सही बात है, ये यहाँ से है ना, इसलिए दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ से होता तो शायद एक साल दो साल बस, फिर हस्बैंड अलग, वाइफ अलग। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक साल भी लोग अपनी शादी को नहीं चला पाते, ऐसा भी देखा है हमने केस की यार, मतलब बाप रे कैसा कर लेते हैं। या फिर ये हो सकता है कि ऐसे लोगों को तो शादी नहीं करनी चाहिए, मैं तो सीधा यही बोलती हूँ कि ऐसे यार लोगों को शादी ही नहीं करनी चाहिए, और अगर करते हो ना तो निभा लो प्यार करो तो उसको निभाओ ही। ऐसा नहीं कि प्यार कर लिया आज कोई और, कल कोई और, परसों कोई और, तो प्यार नहीं। आप किसी एक के होकर तो रहकर देखो, किसी एक के होकर रहकर देखो, पूरी वो सामने वाला आपके लिए पूरी दुनिया ना छोड़ दे तो फिर बोलना। देखिए वही आपकी पूरी दुनिया हो जाएगा ना। तो गाइस चलिए इसी के साथ आज के क्वेश्चंस को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज हम लोगों ने इस चीज के बारे में इतनी सारी बातें, क्योंकि इस चीज को लेकर के ना बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं हमें। हाँ, रिलेशन को लेकर बहुत सारे लोगों के कॉम्प्लीमेंट मिले हैं कि यार मतलब आप लोग का प्यार ऐसे कैसे है, मतलब कुछ टिप्स दीजिए, कुछ बताइए। पर्सनल लोगों का डीएम भी आए हैं हमारे पास बहुत सारे, नेम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कुछ चीजें डायरेक्ट बताने के लिए नहीं होती है, लेकिन जिन्होंने भी क्वेश्चंस किया उनको ये आंसर मिल गया होगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो है अंडरस्टैंडिंग, और ईगो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिलेशन को लेके क्या ईगो यार, अगर दोनों में से किसी एक में भी ईगो है ना, तो वो तो फिर आपका रिलेशन को खा जाएगा, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में तो ईगो 1% मतलब 0% भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ होना चाहिए ना, वो होना चाहिए प्यार। सो इसी प्यार के साथ आप सभी लोगों से हम लोग एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट Q&A के साथ। एंड डेली व्लॉग्स के लिए बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो डेली व्लॉग्स आपको इसके बाद वाले वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, एंड खूब 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 सारा कमेंट किया करिए, खूब सारा प्यार दिया करिए, एंड खूब सारा शेयर किया करिए। ओके, सो बाय बाय, गुड नाइट, लॉट्स ऑफ लव।